नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं, ये हमारे संविधान, हमारे देश का किस तरह से माहौल उड़ाती हैं, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं कर्नाटक विधान परिषद की हैं। मंगलवार सुबह यहाँ पर हाथापाई हो रही थी। हाथापाई कांग्रेस और बीजेपी इसमें जो मेन किरदार है उनके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और जिक्र है, और उनके MLCs ही थे, लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई वो आपको बता देता हूँ। दरअसल कर्नाटक विधान परिषद में मंगलवार सुबह ये जो हाथापाई देखी गई वो कांग्रेस MLCs ने ये कहा कि जबरन विधान परिषद सभापति को पहले तो उनकी कुर्सी से खींचा गया, ये कांग्रेस के वहाँ पे MLCs का काम था। अब उनसे जब पूछा गया कि आपने यार ऐसे क्यों किया कि जो अध्यक्ष है उसी को आप कुर्सी से हटा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से अध्यक्ष जो है वो कुर्सी पर बैठाया गया है। हंगामे के बाद कांग्रेस MLC प्रकाश राठौर ने कहा कि जब सदन नहीं चल रहा था उस समय बीजेपी और JDS ने असंवैधानिक तरीकों से सभापति को कुर्सी पर बैठाया। दुर्भाग्य से बीजेपी ऐसे असंवैधानिक काम कर रही है, लगातार दोनों के बीच कहासुनी होती रही। पहले एक कोल्ड वॉर की स्थिति बनी, दोनों के बीच कहासुनी बहुत हुई और इसके बाद हाथापाई की स्थिति निकल कर आ गई, जिसमें आप ये तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, कुर्सी से कैसे उठा दिया जाता है, कुर्सी खींच दी जाती है। सभापति को ही जो है एक तरह से ऐसा लग रहा था कि अब मार दिया जाएगा, इन द सेंस मतलब जान से नहीं मार दिया जाएगा, उन पे मुक्कों की बरसात हो जाएगी या घूसा लात, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं कि कुटाई होने वाली थी, एक तरह से पिटाई होने वाली थी, इस तरह की वहां पर स्थिति बन गई थी। अब इसके अलावा कमेंट्स तो अब अलग अलग तरह से यही आ रहे हैं। पॉलिटिकल कमेंट्री जो हो रही है वो यही कह रही है कि शर्म आ रही है, जनता क्या सोचती होगी, कह दोनों यही रहे, लेकिन वहां पर किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि अगर कोई देख लेगा बाहर तो वो क्या सोचेगा इन सब सारी चीजों के बारे में। लेकिन बाहर आने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि देखिए इनको शर्म नहीं आती, कांग्रेस वाले बीजेपी को कह रहे हैं, JDS को कह रहे हैं और वाइस वर्सा हो रहा है, उल्टा ये लोग वहां से वहां कह रहे हैं। अब आप लोग हमें बताइए कमेंट करके कि ये तस्वीर आपको, आपके जहन में इस तस्वीर को देखने के बाद क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।